आज गुवंडी में पहली बार देखा गया है। एक साथ एक जगह ना जाने कई सारी एनजीओ जमा हुई है। एक गुवंडी खतरे में करके इन लोगों ने एक मुहिम चालू किया है, इस बारे में उनसे जानना चाहें गुवंडी क्यों खतरे में है। सबसे पहले मैं मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहता हूँ, हमारी मानकुर और गुवंडी के आवाम। खासकर गुवंडी आज खतरे में क्यों है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पिछले 14 साल से हमारे इधर एक कंपनी चल रही है जिसका नाम है SMS कंपनी। ये नाम हर कोई जानता होगा मेरे हिसाब से। गुवंडी की जो हमारी आवाम है, मानकुर की जो हमारी आवाम है, हर किसी को इस कंपनी के बारे में मालूम होगा। बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कभी कोई रिजल्ट इसका मिला नहीं, क्योंकि लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते आए हैं। हर इलेक्शन के टाइम पे, हर वक्त, हर जब भी उनको ऐसा लगा कि इसका फ़ायदा हमको उठाना चाहिए, तो वो अपने फ़ायदे के हिसाब से इस मुद्दे को उठाए और निकल गए अपनी रोटी सेक के। लेकिन हम लोगों ने जो अभी काम स्टार्ट किए हैं इसके ऊपर, जो हम इसमें कितनी एनजीओ ने आप समर्थन दिया है, अब तक कितनी एनजीओ के लोग इसमें जुड़े हुए, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी हमारे साथ में कम से कम जो है 30 NGO हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और आपका स्कोप क्या है, मतलब आगे कितने और एनजीओ को जोड़ेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको पूरा मैटर जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी इस काम को क्यों स्टार्ट किया है, या इस मुद्दे को अभी हम लोगों ने क्यों हाईलाइट किए है, क्यों इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे साहब का एक स्टेटमेंट है कि 2021 एंडिंग या 2022 फेब तक इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 2022 फेब खत्म हो चुका है, फेब का महीना खत्म हो गया, आज चल रहा है मई। तो मई के महीने में हम लोग ने जाके जहाँ पे इस कंपनी को शिफ्टिंग करना था, जो कि 3 महीना पहले हो जाना चाहिए था, तो हम लोग खालापुर में जो इस कंपनी ने जगह ली है, 10 करोड़ रुपए में इन्होंने जगह खरीदे थे, हम लोगों ने उसकी डिटेल निकाले और वहाँ के मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाले। कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर आती है तो गवर्नमेंट की, प्रशासन की तरफ से पॉलिटिकल लोग एक जन एक मशवरा करने के लिए एक जनसभा बिठाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे भी एक जनसभा हुई थी, उसका हम लोगों ने डेटा निकाले, फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने वो जगह को ढूंढ के गांव में लोगों से पूछते हुए उस जगह पे पहुँचे, तो वहाँ पे वो जगह बंजर पड़ी हुई है खालापुर में। तो इस वजह से हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है कि जैसा इतने सालों से हम लोगों ने यही सुनते हुए आए हैं कि इस कंपनी को शिफ्ट करेंगे, आदित्य ठाकरे साहब ने भी यही स्टेटमेंट दिया था लास्ट ईयर, लेकिन अब हमको इस कंपनी को बंद करा के ही दम लेना है। और तो खालापुर जब आप लोग गए तो आप लोगों ने वहाँ पर क्या देखा, मतलब SMS कंपनी जब शिफ्ट हो रही है तो वहाँ पर यहाँ से वहाँ के लोग करने दे रहे हैं या ना करने दे रहे, इसके बारे में आपको जानना है? जब हम लोग खालापुर पहुँचे तो वहाँ पे पहली बात तो हमें जगह के बारे में मालूम नहीं थी। हम लोग जैसे तैसे वहाँ पे पहुँचे, गांव वालों से बात किए, हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है, हम गांव वालों से बात करते हुए हमारे पास वीडियो भी है। तो वहाँ पे जब हम लोग बात करने लगे तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोले, मैं और विजय भाई हम लोग ही बात कर रहे थे, वो जो बुजुर्ग थे वहाँ पे और कुछ महिलाएं भी थी, उनका सीधा सिंपल एक ही मतलब बयान था कि जैसा भोपाल सानिया हुआ, गैस सानिया, जो भोपाल में जो कंपनी का इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ था, बोले ये उससे भी घातक कंपनी है, लेकिन आप लोग वहाँ पर इस कंपनी को झेल रहे कैसा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, हम तो मर जाएंगे लेकिन इस कंपनी को यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो इतनी बड़ी बात जब उन्होंने बोले, उसका हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है, वो जब बात करें। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जब आपने ये जुमला सुने कि मतलब हम लोग तो उनको खड़े होने भी नहीं देंगे, तो आपको कैसा फील हुआ कि हमारे साथ में कैसा किया जा रहा है? जब ये बात मैं सुना और हमारे टीम के जो लोग हैं, हम लोग सब ने जब ये बात सुनी और उस पर जब हम लोग डिस्कस करना चालू किए, तो हम लोगों में ना एक अजीब सी ना मतलब फीलिंग आ रही थी कि हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, एक दिखावा किया जा रहा है सालों से हमारे साथ में, एक बहुत बड़ा दिखावा, जो एक झूठ का जो फुग्गा होता है, जो एक बोलते हैं ना हवा जिसमें भरी हुई होती है, और उसको जब सुई मारो तो कैसा हवा निकल जाती है और फुग्गा गायब हो जाता है। तो उसी तरह उस दिन हमको महसूस हुआ कि इतना बड़ा झूठ और इतनी बड़ी मक्कारी और इतना बड़ा जो है ना हमारे साथ घिनौना मजाक किया जा रहा है, बहुत बुरा हमको उस टाइम पे महसूस हुआ। और ऐसा लगा कि हम लोग बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये जो ताकतवर लोग हैं जो इसके अंदर शामिल है, वो जिस तरह चाहते हैं अपने हिसाब से उस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, और सबको मालूम है, ये बात सबको मालूम है। आप आम आदमी से किसी से भी जाके पूछो कि ताकतवर लोग कौन कौन इसके अंदर शामिल है और किनको इसके अंदर से पैसा जा रहा है, ये मैं खुल के एकदम आपके सामने मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हकीकत है। इसी वजह से वो कंपनी आज तक बंद नहीं हुई है। जैसा कि हर बार इलेक्शन का दौर आता है तो कई नेता जुमलेबाजी करते हैं कि SMS कंपनी बंद होगी, जब भी इलेक्शन करीब में आता है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है SMS कंपनी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि गुवंडी मानकुर के इलाके के अंदर सबसे पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम जो है कि पूरा जीरो का जीरो है,
यहाँ पे कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो नेता मंत्री जितने भी होते हैं, वो पॉलिटिशियन जो भी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट को छुपाने के लिए वो लोग एक मुद्दा उठा लेते हैं लोगों के सामने कि भाई SMS जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा इसके लिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है कि जो कि पूरे इंटायर मुंबई मतलब ऑल ओवर 24 वार्ड्स के जितने भी बायोमेडिकल वेस्टेज जो भी आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गोवंडी के अंदर SMS इन्वोक्लीन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर वो चीज़ें जो है कि बंद होती है, यानी उसको जलाया जाता है। तो पूरे 24 वार्ड के जो भी हॉस्पिटल से निकलने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सारे के सारे हॉस्पिटल से निकलने वाले कचरे क्या होते हैं, हमारे गोंडी के अंदर जलाए जा रहे हैं। और ये चीज़ पूरे मुंबई के अंदर 3 यूनिट होना चाहिए, पूरे मुंबई के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो ये चीज़ 3 यूनिट में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन उसको 3 यूनिट में बजाय डिवाइड करने के ये सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा लोड सिर्फ 1 यूनिट के अंदर आ गया है। जैसा कि बड़े बड़े नेता है और उन्होंने जुमलेबाजी की है कि हम ये बंद करवा देंगे और ये कई सालों से देखते जा रहे हैं, हम ये जंग में कोई कामयाब नहीं हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं गोंडी की आवाम से ऐसी एक मैसेज दे रहा हूँ आपके मीडिया के थ्रू कि देखो कोई भी चीज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं, बनी नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। तो हम भी सबसे पहले आपके सामने ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया के अंदर जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, तो ये कंपनी को भी हटाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये हमारे लिए कोई ऐसा भी नहीं कि एक पहाड़ को हटाना अपनी जगह से एक बार मुमकिन नामुमकिन है, लेकिन SMS कंपनी को हटाना ये तो हम सबके लिए मुमकिन है। और इसमें जो है कि हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट, मतलब आप लोगों ने कमर कस ली है कि इसको बंद करना ही है, पूरी पूरी तरीके से हमने इस चीज़ को ठान लिया है और हमने यहीं से इरादा कर लिया है कि अब जो है आन बान शान के साथ इस कंपनी को यहाँ से हटा के रहेंगे, ये पूरी तरीके से हमारी कोशिश है। अगर SMS कंपनी नहीं बंद होती तो इसके आगे आपका फॉलोअप क्या होगा? देखिए पहले तो हमारे भाइयों ने कहा कि SMS कंपनी बंद होगी तो 100% ये बंद होगी। ये बंद कैसी होगी? बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरों ने आंदोलन किया, लेकिन रिजल्ट 0। यहाँ पे सिर्फ आवाम को धोखा दिया गया। जब हम लोगों में जा रहे तो लोग हमें ही बोल रहे हैं कि इतने नगर सेवक आमदार खासदार इन्होंने बहुत कुछ किया तो आप लोग क्या कर रहे हो? तो आपके न्यूज़ के माध्यम से उन्हीं लोगों को इस माध्यम से सभी को बताना चाह रहा हूँ जो नगर सेवक आमदार खासदार जिन्होंने इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट लेके अपना उल्लू सीधा कर लिया और वोट लेके जीत गए, उनको सभी को ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम 3 लोगों ने 3 NGO ने शुरुआत की थी, आज 30 NGO हमारे साथ है। मेरे ख्याल से आज के बाद ये 300 NGO हो जाएगी। जब हम 300 NGO ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले, हम सिग्नेचर कैंपेनिंग करेंगे, हम सिग्नेचर कैंपेनिंग करने के बाद हम लोग माउथ टू माउथ लोगों को बताएंगे, हम लोग माइक पे लोगों को बताने वाले और एक ऐसा कारवा ऐसे ये जो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है सारे लोगों को मालूम है, लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं इसलिए नहीं जुड़ रहे कि ये कई सालों से चलता आ रही है जंग, लेकिन ये कभी किसी ने पता ही नहीं कि कभी किसी ने जीता नहीं है। तो ये सब करने के बाद भी अगर नहीं बंद होता है तो आप क्या करोगे अगला स्टेप? यही है, क्योंकि मैं इसी माध्यम से बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं, यहाँ पे सारे के सारे NGO है जो जिसे गवर्नमेंट ने समाज सेवक नहीं बोला, हमने खुद को हमको समाज सेवक का पद दिया हुआ है। तो हम किसी का सुनने वाले नहीं है। जब ये कंपनी बंद नहीं होगी तो हम सारे NGO लोगों में जाके लोगों को बता के हम लोग यहाँ पे एक बड़ा जन आंदोलन करने वाले है। ये क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सारे पॉलिटिकल लीडरों ने SMS कंपनी के दरवाजे पे आंदोलन किया, SMS कंपनी का ताला लगाने की बात किया, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हम अगर हमें कचरा कूड़ा हमें गंदगी कहा जा रहा है तो हम भी उसी तरह जिएंगे। हम ये आंदोलन वाशी साइन ट्रॉम्बे रोड का जो सेंटर पॉइंट है, टी जंक्शन है, हम लोग ये आंदोलन वहाँ पे करेंगे और वहाँ पे हजारों नहीं लाखों के तादाद में लोग लेके आएंगे और रास्ता ब्लॉक कर देंगे। रास्ता ब्लॉक इसलिए करेंगे अगर हम गंदगी में है तो वाशी नवी मुंबई पनवेल से हमारे मानखुर्द में कोई नहीं आएगा। आप ये रोड ही क्रॉस मत करो अगर आपको हाँ लग रहा है कि हम गंदे हैं, हमारी वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं आए। फिर भी अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता तो यही पूरा जो महावरा जो पूरा जो लोग है पूरी जनता जो है हम लोग मुख्यमंत्री मंत्रालय पे जाएंगे और ये आंदोलन करेंगे, फिर देखते ये क्यों नहीं बंद होता। और उसके बाद भी हमारे पास एक ऐसा इक्का है कि जिसके पास ये कंपनी बंदी हो, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि हमने कमर कस ली है कि ये कंपनी बंद होगी। मतलब आप लोग का पूरा इरादा और पूरा मतलब लोगों के माइंड में ये ब्रेन वॉश करना है कि हम लोग जो उतरे हैं इस लड़ाई में हमको फतेह करनी है। हाँ तो आप तो चल रहा था कि हम लोग शिफ्ट करेंगे, चलो ठीक है शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन जब हमने खालापुर की कहानी देखी कि हमें कैसे मतलब बोल रहे ना कि अंधेरे में रखा जा रहा है, चला हमें कहा जा रहा है कि 80-90% काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो 0% भी नहीं, एक बोर्ड भी नहीं है कि आप कंपनी। अगर उन लोग 50,000 की तादाद अगर कट मारने के लिए रेडी है तो हम लोग 12 लाख लोग हैं ना,
तो हम लोग 12 लाख लोग अगर रस्ते पे आएंगे तो हम भी तो कट मरने के लिए रेडी है, ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस जंग में 30 आदमियों में एक महिला भी उतरी है, घाटकोपर से आई है, जबकि ये धुएं से लोग गोवंडी के ही लोग परेशान हैं। ये घाट के ऊपर से गोवंडी में जंग लड़ने आई है गोवंडी के आवाम के लिए, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सभी को मेरे बारे में बताना चाहूँगी कि मैं मुंबई मुस्लिम सेवा संघ की मुंबई महिला अध्यक्ष हूँ, और बात यहाँ घाटकोपर और गवंडी की नहीं है, बात यहाँ हमारे समाज की है, और हमारे समाज में जहाँ भी किसी भी कोने में हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। पिछले कई दिनों से मैं हुसैन जी का देख रही हूँ सोशल मीडिया में, ये SMS कंपनी बंद करो, SMS कंपनी बंद करो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला था, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि हुसैन भाई ये क्या है, क्या मसला है, ज़रा आप मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं जब उनसे मेरी इस बारे में बात हुई और मैंने इस कंपनी के जो साइड इफ़ेक्ट सुनी उनसे, तो मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि इस कंपनी से आगे चल के हमारे बच्चे, हमारी महिला, हमारे बुजुर्गों को काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। तो इंशाल्लाह मैंने ये कोशिश की हूँ कि आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, और जब भी आगे उन लोगों को मेरी ज़रूरत होगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी टीम लेके पहुँचूँगी, और मैं उन सभी समाज के सोशल वर्कर, NGO और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए अगर हमें किसी का नुकसान करना है तो हम एक उंगली, हमारा जो हाथ है एक उंगली से हम उसका नुकसान नहीं कर सकते, पर जो सारी उंगलियाँ मिला के जब एक मुट्ठी बनती है तो हम उसे मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप भी आगे आइए, जो गवंडी के मेरे भाई हैं। आप एक महिला है, महिलाओं के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस जंग के लिए कैसा कैसे आ गए? देखिए महिला जो ऐसी होती है कि एक ईंट से बनी हुई चार दीवारों को अपने प्यार से, अपनी समझ से उसे घर बनाती है। अगर एक महिला पढ़ी लिखी हो तो एक पूरे घर को पढ़ा लिखा बनाती है, तो वैसे अगर एक जो महिला यहाँ जुड़ेगी तो यहाँ की रहने वाली महिलाओं को, यहाँ के रहने वाले बच्चों को इन मुसीबत से निकालने की कोशिश कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ महिला आ गया या जेंट्स आ गए, सभी लोगों को एक साथ मिलके ये काम को शुरू करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसे इस अंजाम तक पहुंचाना है कि कंपनी इन्हें बंद करनी पड़े। जैसा कि आतिफ जी हमारे चैनल के माध्यम से आप यंगस्टर्स को इस जंग के बारे में क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं मेरे गोवंडी के जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे भाई है, जो छोटे भाई है, मेरे बड़े भाई है, मैं उन सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं, आज हमारे गोवंडी का माहौल और इससे पहले जो हमारे गोवंडी का माहौल था आप लोग देखे होंगे, छोटी सी छोटी बात पे हम लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा क्राइम हो जाता है हमारे गोवंडी में, लेकिन आप लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ते, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। आज हम लोग अगर इस गोवंडी और मानकुर के लिए लड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम अकेले नहीं रहते, आप सब रहते हैं, तो आप प्लीज़ अपने हक के लिए लड़ो, हम आपस में ना लड़ते हुए अपने हक के लिए लड़े। ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है, कितने ऐसे सारे मसले हमारे गोवंडी और मानकुर में है जिन पे हम लड़ सकते हैं और अपने माहौल को और अपनी आने वाली जनरेशन को सही माहौल दे सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं लड़ते अपने, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। और प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दो, ये SMS कंपनी बहुत ख़तरनाक है, और जो बाकी सारी जगह से 24 वार्ड है, इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, इतने सारे हॉस्पिटल से यहाँ पर कचरा आता है, हम कचरे वाले नहीं है मेरे भाइयों, हम भले ही यहाँ पर पैदा हुए भले बड़े हैं लेकिन हमको इससे निकलना है, और इससे प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दो और इससे निकलो बाहर, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो, और इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग आपके लिए ही लड़ रहे हैं, हमारा कोई इसमें जाति फ़ायदा नहीं है, हमको मालूम है कि हमारे सामने कितने बड़े लोग हैं, फिर भी हम हिम्मत करके लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपस में लड़ने के बजाय आप लोग अपने हक के लिए लड़ो और अपने लिए नहीं, हम जो माहौल हमको नहीं मिला कम से कम हमारे बच्चे को तो वो माहौल हम लोग दे सकते हैं, कम से कम उसके लिए तो आप लोग लड़ो। बहुत दिल से मैं ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग समझो इस बात को। आज गोवंडी शिवाजी नगर में पहली बार देखा गया है कि कई सारी NGO ने SMS कंपनी के लिए कमर कस लिया है। मैं हैरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।